है भाई सामने माशाल्लाह से, आपको याद होगा हम का व्यू चेक करें। ओहो आजो 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 भाई, इसको खेलना है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, करो करो ब्यूटी खुलवाई है मैंने माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप चेक करें बछड़े को, क्या ही बात है भाई बछड़े की माशाल्लाह। क्या रहा है भाई 145 माशाल्लाह से। आपको याद होगा मैं कुछ टाइम पहले उनैस भाई के फार्म पर गया था भाई। भाई आ गए भाई नूर साहब ब्राउनी के पास भाई माशाल्लाह, ये देखो जबकि वो लाते भी मारिए भाई अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे की मंडी में खुशामदी दोस्तों, एक हसीन शाम भाई नूरी कैटल फार्म के साथ भाई आज व्लॉग एंजॉय करें। शाम का ही व्लॉग बनाया है, अभी रात को माहौल ऐसा हो रहा था माशाल्लाह फार्म का, सुकून भरा भाई, तो मैंने कहा अगर आपको दिखाते हैं भाई, ऐसे दिखाओ ज़रा फार्म को भाई माशाल्लाह से भाई। ये लाइट्स लगने के बाद आप माहौल चेक करें भाई, पूरे बाड़े पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह से रोशनी। एक तो फ्रंट की अभी ऑन नहीं की हुई, वरना वहाँ भी लाइट्स लगी हुई हैं, वाला ऐसा अभी ऑन नहीं किया, वहाँ भी 2-3 लाइट्स लगी हुई हैं जिससे वाला एरिया पूरा रोशन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो प्रॉपर काम भाई हो चुका है तो अच्छा। उसके अलावा भाई फार्म का जो है मामला, आज व्लॉग देखें आप लोग। बाकी सबसे पहले मैंने ना आते हुए एक वीडियो कंटिन्यू की थी, वो क्यों की थी वो आप लोग देखें, तो वो सबसे पहले देख के फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक जगह शिफ्टिंग का मैंने आपको पूछा है कि भाई हम लोग माल की शिफ्टिंग ये जो सेटिंग है यही रखें हैं थोड़ी चेंज करें, तो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, कंटिन्यू करें। अच्छा दोस्तों, घोड़ा जा रहा है भाई सामने माशाल्लाह से। आपको याद होगा मैं कुछ टाइम पहले उनैस भाई के फार्म पर गया था भाई, तो वहाँ पे भाई मैंने चीज़ें देखी थी, तो ये उन्हीं के फार्म पे जा रहा है। उन्होंने मुझे इत्तफाक से इसकी वीडियो भेजी हुई भी है। अब ये है कि ये थोड़ा सा ना आउट ऑफ रेंज हो रहा है मेरी, वरना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है ये गुलाबी नाग में। अभी लेफ्ट हो जाएगा यहाँ से, ये उनके फार्म पर जा रहा है अभी फ़िलहाल। तो अगर देखें रेंज बनती है और सौदा होता है, तो फिर ये हो सकता है हमारे नूरी कैटल फार्म पर आ जाए भाई। ये आप चीज़ चेक करें भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत कोई हसीन प्रिंट है भाई, गुलाबी नाक का घोड़ा है भाई। उन्होंने मुझे इत्तफाक से वीडियो भेजी हुई थी, उन्होंने कहा भी था कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला ये आ भी जाएगा, और आज जा रहा है उनके फार्म पे। मेरे रास्ते में देखें, किस्मत चेक करें आपके रास्ते में दिख भी गया, ये देखें लेफ्ट होना शुरू हो गया, ये लेफ्ट हो रहा है, हमारा फार्म राइट पर है भाई फौरन ही। तो जो लोग इधर जगह से वाकिफ़ हैं भाई, अब्दुल्ला होटल सामने, और ये जा रहा है भाई लेफ्ट पर माशाल्लाह। अब हमारा फार्म भाई कहाँ है, चलो आज कंटिन्यू की है वीडियो को तो यहाँ से बता भी देते हैं। तो भाई अब्दुल्ला होटल है मेन, अब्दुल्ला होटल भाई आप नॉर्दर्न मंडी से कंटिन्यू करेंगे तो ये मेन अब्दुल्ला होटल आता है, और इसके साथ ही भाई आप इधर देख सकते हैं हमारे फार्म का रास्ता, ये देखें ये सीधे हाथ पे, जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कहाँ पर है, तो बस ये सीधे हाथ पर है। आपने अब इसको कंटिन्यू करना है, कोई दूर नहीं है फार्म, बिल्कुल मेन रोड पर ही फार्म है। तो मैं ज़रा दिखा भी देता हूँ आपको कि कहाँ है एग्जैक्टली फार्म भाई। ये आ गए हम मेरे ख्याल में अब्दुल्ला होटल से, 1 मिनट की ड्राइव भी नहीं हुई होगी अभी तक। तो ये आ गया भाई फार्म उल्टे हाथ पर। आप लोग बोलेंगे कहाँ हैं, ये तो जंगल है भाई, तो बस आने वाला है। तो अक्सर भाई मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई हम किस तरह आए फार्म पर, तो फार्म पे आने के लिए भाई आप अब्दुल्ला होटल की भी लोकेशन डाल सकते हैं, वरना आप जो है वो कमांडर कैटल फार्म भाई लोकेशन भी डालनी है गूगल मैप पर, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं डाली हुई, तो ये कमांडर कैटल फार्म की डली हुई है। और इसके साथ ही ये जो आप गेट देख रहे हैं ये हमारे फार्म का गेट है, ये वाला, ये रहा हमारे फार्म का गेट। और अभी हम इधर से एंट्री लिया करते हैं भाई फार्म पे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ बाहर नूरी कैटल फार्म का, आपको कैसे पता चलेगा, बस ये एक हमने लगाया हुआ है, और बाहर कोई ब्रांडिंग नहीं की हुई, अंदर ही ब्रांडिंग हुई है जो भी हुई है। अच्छा भाई माशाल्लाह फार्म की अपडेट भाई, बहुत से लोग मिस कर रहे थे भाई। अच्छा मैंने सोचा है कि भाई हफ्ते में 5 दिन अपने फार्म की वीडियोस, 2 दिन कहीं और की वीडियोस, या 4 दिन फार्म की और 2 दिन 3 दिन कहीं और की, क्योंकि फिर ना मज़ा लोगों को, मैंने देखा है कि बाहर की वीडियोस में इतना आ भी नहीं रहा, फार्म की ही बेहतर है। अपने फार्म की अपडेट इंशाल्लाह ताला जैसे हम बनाते हैं रोज़ वैसे ही बनाते रहेंगे। कुछ न्यू एंट्रीज़ हुई हैं वो खुलवा के दिखाता हूँ, उससे पहले भाई कुछ और जानवर भी हैं वो भी खुलवा के आपको दिखाता हूँ। तो ज़रा फ्रंट पहले दिखा देता हूँ कि भाई कुछ सफाई वगैरह के मामले किए थे वो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह माल खोल के दिखाता हूँ। ये है भाई फार्म की एंट्रेंस, बल्कि ये भी नहीं है, ये है बेसिकली। तो यहाँ से आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पे आपको 2-3 शेड मिल जाएंगे, दुम्बे बकरी इन सब के शेड्स हैं। फिर इधर आप अगर आ जाते हैं तो ये ऑफिस, और साइड में भी वो काम चल ही रहा है, वो ना ख़त्म होने वाले काम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जितना करो उससे बात होता रहता है भाई। यहाँ पर बड़ी गंदगी मच गई थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया एरिया। उसके बाद जो है भाई यहाँ पर डक हुआ करती थी, वो डक ख़त्म कर दी है, डक कांग गई वो दिखाता हूँ। डक के बच्चे जो पहले थे वो भाई चेंज हो गए, अब नए बच्चे डक में आ गए, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है, तो वो भी आपको ज़रा दिखाता हूँ मैं। अच्छा भाई ये भी डक में चले गए, ये अपने पास माँ का दूध इन चुके पी चुके हैं, लेकिन ये फिर से भाई आ गए हैं भाई नूर साहब,
ब्राउनी के पास भाई माशाल्लाह ये देखो, जबकि वो लाते भी मारिए भाई, अभी अभी तो गए थे, फिर आ गए क्योंकि बच्चों का टाइम अब बंद हो गया, बंद होने का टाइम है इनके अब के, लेकिन ये भाई फिर से इधर आ गए, तो हमने कहा चलो मसला नहीं है, पी लो भाई फिर तुम जितना तुम्हारी माँ तुम्हें पिलाती है भाई, फिर वापसी बंद हो जाओगी, क्योंकि भाई अब सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो पैक कर दिया है बच्चों को, दिखाता हूँ ज़रा आपको भी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह भाई भाई फार्म की एक ब्यूटी खुलवाई है मैंने माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, आप चेक करें बछड़े को, क्या ही बात है भाई बछड़े की, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें भैया बेहतरीन भाई, ज़रा घुमाओ इसको आगे से, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, घुमाओ 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 घुमाओ, ये देखें भाई माशाल्लाह, रोको रोको रोको, इसका चेहरा दिखाओ भाई, असल ब्यूटी इसके चेहरे में माशाल्लाह से, ये आप देखें क्या ही बात है माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बाबा इसको ले जाएं भाई। अच्छा भाई एक न्यू एंट्री भी हुई है वो ज़रा दिखा दूँ आपको भाई, अनिल भाई का माशाल्लाह से बछड़ा आया है भाई पलाई पे, हमारे साथ नए जुड़े हैं भाई अनिल भाई, और अल्लाह पाक उनके शौक़ में इजाफ़ा करें, ज़रा घुमा करके लेकर आओ इस बछड़े को, इसका वज़न हमने किया 372, उसकी एंट्री वेट आया है, तो जितने भी नए आ रहे हैं उनकी एंट्री वेट भी अल्हम्दुलिल्लाह अब साथ साथ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले तो ज़ाहिर है मैंने नहीं किए जो 1.5 साल पहले जब फार्म स्टार्ट किया, लेकिन अब मैं करता हूँ लास्ट 3-4 महीनों से एंट्री वेट भी, जिनका रह जाता है उनका फिर मैं थोड़े टाइम में कर लेता हूँ वरना, माशाल्लाह भाई ये भी अच्छा बछड़ा है भाई, अभी दांत क्या है इसके, दांत देखे, दांत नहीं देखे भाई, दांत नहीं देखे हमने, दांत भी देख लेना कल ना इसके, तो ये है इंशाल्लाह ताला इसके मामला फिर बने, सिंग तो है ना इसके या नहीं, सिंग बने हुए हैं ना लेकिन ख़राब बने हुए हैं ना, लेकिन अब बन तो खैर दोबारा नहीं सकते, लेकिन बने हुए हैं इसके सिंग, लेकिन जैसे आप ये वाली साइड देखें ना तो इसमें अभी आ रहा है दोबारा से, देखता हूँ गुड्डू भाई आएंगे इंशाल्लाह सिंग बनेंगे हफ्ते वाले दिन, तो उनसे ही मशवरा दोबारा कर लूँगी इसका क्या करना है, बाकी बांधने इसको भाई, ये एक न्यू एंट्री हुई थी और जो न्यू एंट्रीज हुई हैं भाई वो भी लाओ। अच्छा भाई माशाल्लाह ये डक बनाई है भाई अब बिल्कुल पैक, ये बच्चों के लिए ही डिज़ाइन की गई है, इसमें सिर्फ छोटे बच्चे अब मौजूद हैं, जो पहले डक में मौजूद थे बड़े बच्चे वो अब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो 4-5 छोटे बच्चे मौजूद हैं, इसमें नूर भाग गया है यहाँ से और ये भाई साहब अभी खुले हुए हैं यहाँ से, और एक हामिद भाई वाला खुला हुआ है, तो ये तीन भाग गए थे, इन तीन को भी बंद करना है माशाल्लाह, ये देखो ये आ गए, इन्हीं की बात कर रहा था भाई मैं अभी, सुभान अल्लाह भाई, ये भी अंडर डक में जाएंगे क्योंकि अब सर्दी का मौसम आने वाला है, फार्म पे पर्दे भी इंशाल्लाह ताला 5-10 दिन में लग जाएंगे, तो हाँ इधर आओ, क्या है भाई अपना पूरा शेड जो है ना वो टाइगर में लेके जाता जा रहा है, आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो इसकी की थी, तो ये कैसा था पैदा कैसा हुआ फिर अब ये किस शेड में जा रहा है माशाल्लाह, हाँ मेरा बच्चा इधर आओ भाई, फ़करे नूरी भाई माशाल्लाह, ये आप देखें फ़करे नूरी को, क्या बात है भाई फ़करे नूरी की, ओए फ़करे नूरी आप कैसे हैं भाई, आप कैसे हो, कहाँ भाग रहे हो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, तो भाई फार्म का व्यू चेक करें, ओहो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, इसको खेलना है खेलना चाह रहे हो, आ जाओ खेलो मेरा बच्चा, ये देखिए आप भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और भाई यहाँ पे भाई आप देख सकते हैं कि भाई न्यू शेड बना था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई तकरीबन भरते हुए यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं भाई। अच्छा शेड में आपको पता है पहले के जो जानवर मौजूद थे हमारे डक वाले, पहले आपको वो बताया था कि डक वाले बच्चे आखिर गए कहाँ, जो क्योंकि बड़े बच्चे थे डक में वो मतलब अब बड़े हो गए तो उनको शिफ्ट कर दिया गया, ये 4-5 बच्चे तो हैं, ये 2 बछड़ियाँ थी तो वो उधर निकल गई हैं, एक ये रहा माशाल्लाह, बाकी एक ये रहा, एक ये इमरान भाई गए माशाल्लाह अबलख गुलाबी, ये देखें सुबहान अल्लाह, तो ये डक के बच्चे थे अब यहाँ निकल कर आ गए दायरे, अब इनका बनने का टाइम आ गया, ये 4 बच्चे माशाल्लाह इधर से, बाकी 2 बछड़ियाँ उधर हैं, बाकी ये एक न्यू एंट्री हुई है भाई हमारे पास बिलाल भाई की माशाल्लाह, ये अपनी माँ के साथ आए हैं, अच्छा बच्चा है, वीडियो में बहुत बड़ा लग रहा था जब उन्होंने पंजाब में सौदा किया, लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तो ज़रा घुमाओ भाई इसको भी, ये भी हमारे 2026 के कलेक्शन में ही मौजूद है, ये देखें भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ओहो ओहो क्या बात है, अच्छा इसका और बिलाल भाई के दूसरे वाले का वज़न अभी करवा लो, जल्दी से जाके करवा कर आ जाओ ताकि एंट्री इसकी भी लिख लें। अच्छा मेरे फार्म की अभी क्या सेटिंग मैंने की हुई है, ये एरिया आप देख रहे हैं ये है पूरी बछड़ियों का एरिया, ये सारी इधर बछड़ियाँ मौजूद हैं, इधर जो है ये सामने दोनों जो शेड हैं ये 2026 का ही जानवर मौजूद है, और वो जो है वो गायों का एरिया है, ये जो मैंने कलेक्शन बनाया भाई ये 2026-27 इस तरह मैंने कनेक्शन कलेक्शन बनाया भाई, जुबान हिचकिचा गई, तो आप लोग बताएं क्या ये यही रहना चाहिए सेटिंग,
या अब मैं सोचता था क्योंकि मैं गायें भी बढ़ती जा रही हैं, तो गायें और बच्चियों को या तो मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ और इनको फिर उधर कर देता हूँ, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ इस मामले में, थोड़ा सा बताइएगा, या जो सेटिंग मैंने अभी रखी हुई है ये परफेक्ट है इसके हवाले से बताइएगा कि यही सेटिंग रहे या इसको चेंज किया जाए, कि या अभी जो सेटिंग है परफेक्ट है कि बछड़ियाँ अलग, बछड़े अलग, बछड़े अलग, फिर गायें उधर, फिर ये बच्चे अलग, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या सही है सेटिंग या थोड़ी चेंज करें। भाई हम दोनों बच्चों को लेकर आ गए हमारे बहुत ही अच्छे नेबर भाई जाकिर भाई के फार्म पे। भाई बहुत खुली छूट है भाई, यकीन करें ना, मशीन लेनी पड़ रही है और भी कामों में बड़ा काम आ जाते हैं भाई, जाहिर सी बात है यार, माशाल्लाह, और बड़ी खुशी है भाई। अच्छा भाई सीन ये है कि चलो चढ़ाओ भाई, इस वाले फ्रेम इनका अभी सही है, तो इसमें ना ये जो चीज़ है इससे बड़ा बछड़ा जा नहीं पाता, तो अभी इसलिए मैं बड़े बछड़ों का वज़न कर नहीं पा रहा, तो इंशाल्लाह ताला बड़े बछड़ों का वज़न इनकी जब मशीन सही हो जाएगी जब, वरना फिर हमारे एक और भाई मौजूद हैं, थोड़ा सा उनका दूर है फार्म, थोड़ा चलना पड़ता ज़्यादा, या तो उनके फार्म पे लेके जाऊँगा, पाइनियर कैटल फार्म पे इंशाल्लाह वज़न करने बड़ों का, यही सोचा है, एक तरतीब करेंगे। अच्छा आप लोगों ने ये भी बताना है कि आप लोग किस तरह की वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं। मैंने सोचा कि भाई कल के दिन या तो आपको अपनी बछड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगा, या फिर 2026 का कलेक्शन दिखाऊंगा, या फिर बड़े बछड़ों का कलेक्शन अल्लग से दिखाऊंगा, तो ये और शायद कल, बल्कि कल तो नहीं, परसों फिर सिंह के मामला दूंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, करो करो अंदर करो, अभी नहीं हुआ सही। बिस्मिल्लाह, क्या आ रहा है? 200, 199, 200 ही समझ लो, 200 पे आया है भाई हमारे पास, समझ लिया, क्या आए हुए हमारे पास हो गए हैं अब 4-5 दिन, जब तो और फिर कम ही होंगे, सफ़र का आया हुआ था, लेकिन हम चलो 200 से ही करते हैं। अच्छा भाई इन्होंने माशाल्लाह घोड़ा भी रखा हुआ है, ये घोड़ा ही घोड़ी है, घोड़ी है, वाह भाई माशाल्लाह, चलो भाई। अरे भाई 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 भाई, इनको नहीं जाना है भाई, असल में ये भी बच्चा ना डक में ही है अभी खुला हुआ ना, क्योंकि ये जाहिर है छोटा है अभी ना उम्र में, तो इसको भी उन्हीं के साथ रखा है, तो इसको आदत नहीं है इस चीज़ की, वो बंदा वह। बिस्मिल्लाह, क्या आ रहा है भाई? 145, सही हो गया भाई, उतार लो भाई, ले जाओ भाई वापसी फार्म पे इनको। अच्छा दोस्तों तो फार्म की वीडियो को आज करते हैं एंड, न्यू एंट्रीज जो मैंने आपको ली थी कुछ आने हैं मेहमान, वो अब तक आए नहीं हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको कल के ब्लॉग में देख जाएंगे, मैं फार्म पे ही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है अगर फिर वो जो क्लिप बनेगी वो कल के ब्लॉग में आएगी, क्योंकि मुझे पता ही है कि 9-10 की कहानी हो जाएगी आते आते ना उनकी, तो इंशाल्लाह मैं हूँ फार्म पे ही। बाकी भाई यहाँ पे भाई माशाल्लाह से ये अभी सारे भाई ये देखें माशाल्लाह, ये पुराने हैं हमारे पास, कोई कुछ नए चल घूम रहे हैं इधर, ये मामला चल रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करिएगा, अल्लाह हाफिज़।